कर लेंगे। बोले स्लिम बोले जी सर। हेलो मेडिकल एसोसिएशन, आज क्या है, आज क्या है, छीन चलेंगे अपना हक, छीन चलेंगे अपना हक। हमारी डीपीसी हाँ जी सर, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। आज क्या है, आज क्या है, पुंछ में क्या है, सेक्टर ऑफिस में क्या है, सीएमओ ऑफिस में क्या है, राजीव गांधी अस्पताल क्या है, सिपाल क्या है, आवाज दो, छीन के लेंगे अपना हक। इस चोर चवर की चक्की में जिएंगे सात साल, लड़ेंगे सात साल, जिएंगे सात साल, लड़ेंगे सात साल। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना। आज के हड़ताल के बारे में मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन। पिछले चार साल से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ डीपीसी के लिए, और पिछले चार साल से डीपीसी जो हमारी नहीं हो रही है। अभी चार महीने से जो हमारी फाइल है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास टेबल पर है, उन्होंने एक मीटिंग करनी है तो हमारी डीपीसी हो जानी है। और डीपीसी का आम एम्प्लॉइज के अलावा पब्लिक को बहुत बड़ा बेनिफिट है, 5000 नए लोग लगेंगे ये हमारे जब डीपीसी हो जाएगी। जितने हॉस्पिटलों में पोस्टें खाली हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, पब्लिक को एक जो है हर आदमी जो एम्प्लॉइज जो वहाँ में मिलेगा। उसके साथ हमारी 2211 का परमानेंट सोल्यूशन और उसकी 5 महीने की पेयर लीज का मसला है। फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन जो 5 अक्टूबर 2019 के बाद जब 370 टूटा था उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान और बाकी स्टेटों ने लागू की है मगर जहां J&K में अभी लागू नहीं हुई है। हमारे बहुत सारे मुलाजम जो रिटायर हो रहे हैं, किसी को 50 रुपये पेंशन मिलती है, किसी को 100 रुपये मिलती है, किसी को 200 रुपये मिलती है, वो अपना जो अपनी परिवार है उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये चार डिमांड है। हम कोई कुछ कोई और चीज़ नहीं मांग रहे कि हमें ये बना दो, बड़ा हाईएस्ट पोस्ट बना दो। हम अपनी डिमांड्स के लिए हम इनको कह रहे हैं हमारी डिमांड फुलफिल कर दो। तो हमने मजबूर होकर ये जो स्ट्राइक दी है आज पूरे प्रोवेंस में, चाहे आप पुंछ रजौरी की बात करो, सांबा कठुआ की बात करो, डोडा और किश्तवाड़ की बात करो, चाहे वो आप रियासी और उधमपुर की बात करो, पूरे प्रोवेंस में स्ट्राइक है और हर ब्लॉक में स्ट्राइक है। और ये स्ट्राइक फिर अब आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से फिर इनको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डिमांड है उनको फुलफिल करो, ताकि हम भी सही आप रिलीफ महसूस करें और अपना काम जो है ईमानदारी से करें।